सो हे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और एक स्पेशल मैंने चीज़ देखी ना, मैं सर्च कर रहा था अपना नाम यूट्यूब पे, है ना, कि अपना नाम कैसे आता है सर्च पे। तो मैंने सौरभ चंदेल वहाँ पे जब लिखा तो वहाँ पे एक मुझे बहुत ही अनोखी चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। वहाँ पे लोगों ने क्या क्या सर्च करा, सौरभ चंदेल रियल, सौरभ चंदेल रियल और फेक। मतलब मैं भी कन्फ्यूज हो गया, लोग इस तरह के कीवर्ड्स कैसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन फाइनली मुझे याद आ गया कि हम हैं जो YouTube पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जब भी कोई बंदा स्पेशली सर्विस परचेज करने के लिए वहाँ पे अपने पैसे लगाना चाहता है, क्योंकि पैसे तो लगाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात दिखती है ना, तो हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि हम जहाँ पे अब सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो YouTube सब्सक्राइबर की हो, YouTube चैनल सेल की हो, या वॉच टाइम की, या कोई भी सर्विस आप हमारे थ्रू परचेज करते हैं, तो मन में ये सवाल हमेशा आता है कि क्या सारा फंडा है, बंदा सही है नहीं है, क्या जहाँ पे हम अपने पैसे लगाएंगे क्या हमें वहाँ पे सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे पता है इस रिगार्डिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे इस चीज़ को सर्च करते हैं, तो उसी का जवाब मैं आपको देने के लिए आया हूँ, क्योंकि अपने YouTube फैमिली के हैं, हर एक जवाब, हर एक सवाल आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने ट्रांसपेरेंट रखी जाती है ना। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डेली हम फर्स्ट कमेंट की प्रमोशन करते हैं, सो जिनका कल फर्स्ट कमेंट था उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं, सो हमारी YouTube फैमिली का पार्ट ज़रूर बने, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी प्रमोशंस करवा सकते हैं हमारी कम्युनिटी टैब पे, हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, और कोई भी सर्विस आप सक्सेसफुली परचेज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको हमारे थ्रू जो सर्विस है सक्सेसफुली परचेज होती है और ऑलवेज होती रहेगी, है ना। नंबर वन रीजंस, अभी तक यूट्यूब पे 500 प्लस यूट्यूब चैनल और 500 प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर और वॉच टाइम की सर्विस प्रोवाइड कर दी है, सक्सेसफुली करवाई है। बहुत सारे YouTube चैनल से मोनेटाइज भी हुए हैं, और उनके स्क्रीनशॉट मैंने सभी अपने Instagram और YouTube वीडियोस में भी शेयर किए हैं, नंबर वन थिंग, है ना। दूसरी बात कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में ये ओपन चैलेंज करके रखा था, मान लीजिए, है ना, कि हम सिर्फ हमारा जो एक ऑफिशियल Instagram है, नंबर वन, नंबर टू जो हमारी ऐप है सौरभ चंदेल, उसके ऊपर दोनों की मैंने कहा था हम सिर्फ इन दोनों के ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अदरवाइज हम किसी भी थर्ड मैथड से आपसे बात नहीं करते, ना ही डील करते हैं। ये चीज़ मैंने मेंशन की हुई थी। अगर मैंने कहा था, मान लीजिए, है ना, किसी बंदे ने हमें ऐप पे और इंस्टाग्राम पे कहीं पे हमें पे आउट किया है, ठीक है, कई बार हो जाता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार मैसेज नहीं जाता, बंदा बिना बोले पेमेंट कर देते हैं, और इंस्टाग्राम में चैट सेक्शन बहुत ज़्यादा भरा होता है, कई बार नहीं लगता था, तो उस केस में भी मैंने कहा है कि आप मुझे नंबर वन अपनी स्टोरी में मेंशन करें, नंबर टू कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐप है हमारी सौरभ चंदेल वहाँ पे सर्विस परचेज करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप कभी भी परचेज करें, चाहे रात को 12 बजे करें, मुझे वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, और विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपसे डायरेक्टली वहाँ पे बात कर लेता हूँ। लेकिन जब आप नॉर्मल पे करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो वहाँ पे उस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आती, अगर मैं ऑफलाइन होता हूँ, है ना, क्योंकि वह आ जाती है फिर पता नहीं लगता किस बंदे ने कहाँ पे किया है, पूरा इंस्टाग्राम वहाँ पे चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी कही है कि जो बंदा होता है, कुछ हेटर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ बंदों ने मेरे फेक अकाउंट्स बना के रखे थे पहले इंस्टाग्राम पे, है ना, तो मैं ऑलवेज आपको कहा था जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है और अबाउट सेक्शन में होता है सिर्फ वहीं से डील होती है, और कोई भी अपना दोस्त भाई बंधु नहीं है जो आपसे डील करता है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैंने आपको कहा था कि आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐप पे मुझसे बात कर सकते हैं या ऐप पे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बंदे किसी अननोन आईडी से, मतलब कुछ बंदे, यार देखो, जब तक ब्लू टिक नहीं लगता ना, तब तक हम दूसरे बंदे की रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि ये हमारी ऑफिशियल आइडेंटिटी है ना, तब तक ब्लू टिक नहीं लगता तब तक तो आपको इस चीज़ का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल सारा फंडा ये है, और ना ही हम कभी टेलीग्राम पे बात करते हैं, ये जो चीज़ मैंने कही है, ठीक है। और मैं ओपन कहता हूँ कि किसी बंदे ने पे आउट किया है ऐप के थ्रू या इंस्टाग्राम पे, अगर बातचीत हुई है, अगर सारे स्क्रीनशॉट हैं, वो ऑलवेज एक वीडियो बनाए, वहाँ पे मुझे मेंशन करे, अगर बंदा सही होगा देन एब्सोल्युटली मैं उस बंदे की हेल्प भी करूँगा। ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करूँगा, लेकिन कोई चीज़ गलत कर रहा है ना और ऐसे बेफालतू या गलत इल्ज़ाम लगा रहा है ना, देन तो उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सीधी सी बात, क्योंकि हम अपने काम होनेस्टी से करते हैं, और कोई बंदा इस तरह से बीच में अगर कोई रोके टोके फिर वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इन चीज़ों का रिप्लाई करना बनता है, क्योंकि अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ का है, हम तो निडर हैं भाई, सीधी सी बात बोलता हूँ, क्योंकि होनेस्टी से मैं हमेशा काम करता हूँ, और जो भी हमारी सर्विस है सक्सेसफुली सभी को प्रोवाइड होती है। तो इन फ्यूचर बहुत सारे रिव्यूज़ भी आपके सामने लेके आएंगे कि जिन जिनको सक्सेसफुली सर्विस प्रोवाइड हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई बंदा ऐसे सर्विस परचेज करता है, जितना वो
प्राइवेट रहे, बंदे खुद ही ज़्यादा प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, अपनी प्राइवेसी ज़्यादा बताना नहीं चाहते, लेकिन जो जो बताते हैं उनका मैं ऑलवेज आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जिन जिनका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है ना। तो ओवरऑल चीज़ सारा फंडा है, मैं ओपनली हमेशा सबको ओपन चैलेंज होता है, ओपन चैलेंज नहीं ओपन है, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेंशन करो कि क्या ओवरऑल सारा फंडा है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा कि बंदे ने कोई सर्विस पे की होगी और उसने सारे तरीके से सारी चीज़ें सही होंगी, है ना। क्योंकि कई बार बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई बंदा बताता नहीं और बाद में आपके सामने उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देता है ना। तो हमेशा दोनों तरफ की सुननी है, किसी भी एक तरफ का नहीं करना, क्योंकि आज का जैसा टाइम है नकली स्क्रीनशॉट बनाने को एक मिनट तक नहीं लगता। तो ओवरऑल सारे बहुत सारे होता भी है मुझे कि बहुत सारे बंदे डेली फेक स्क्रीनशॉट्स बना के भेज देते हैं, पहले एक रुपये शेयर करते हैं फिर सेम उस फोटो को वहाँ पर एडिट करके दोबारा भेज देते हैं, तो लेकिन पता लग जाता है यार, क्योंकि अपनी आजकल का जो टाइम है ना डिजिटल है, फ़ोन में एम पास बुक्स होती हैं, योनो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर डायरेक्ट आप ओपन करेंगे वहाँ पर एक एक सेकंड में वहाँ पर अपडेट हो जाता है, तो वहाँ पर किस तरह का चीज़ करना है ना। तो सारा का सारा यही फंडा था, सिंपल सी चीज़ें थी, क्योंकि अब पता लग जाता है धीरे धीरे जब किसी चीज़ को करते हैं ना तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सो आप कोई भी सर्विस परचेज़ करना चाहते हो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, और कोई भी यूट्यूब सब्सक्राइबर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो ऐप है सौरभ चंदेल, वहाँ पे डायरेक्टली आप विजिट करके सक्सेसफुली निश्चिंत होकर अपनी सर्विस परचेज कर सकते हैं ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स। Peace.